दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्चुअल फोन नंबर्स। दोस्तों आप लोग भी किसी ऐप को लॉगिन करना चाहते हो बिना अपने फोन नंबर के ताकि एप्लीकेशंस का मिसयूज कर सकें? हाँ भाई हाँ। ओके पर कारण तो बताओ ऐसे एप्लीकेशंस को यूज करने का। ये बातें बताई नहीं जाती। अच्छा नहीं बताओगे? जो मैं भी नहीं बता रहा ये ट्रिक। बताना। अच्छा चलो बताता हूँ और सुनो। Amazon, Flipkart, WhatsApp या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे आपको फोन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो दोस्तों अगर आप वहाँ पे अपना फोन नंबर दे देते हो तो बाद में भाई साहब बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं और आप लोग होते रहते हैं परेशान। अगर आपका भी यही रीजन है टू अवॉइड स्पैम मैसेजेस को, तो दोस्तों बिल्कुल सही वीडियो पर आप लोग आज आए हैं। और दोस्तों याद रहे WhatsApp, Amazon, Flipkart को तो आप बिना फोन नंबर के चला नहीं सकते। इमोशनल डैमेज। पर एक तरीका है जिसके थ्रू आप लोग भी Amazon, Flipkart या WhatsApp को चला पाएंगे विद सम फोन नंबर। पर उसके लिए आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या आप तैयार हो? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों एक छोटा सा डेमो देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, मैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। और दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको आपसे फोन नंबर मांगेगा। मैं यहाँ पे कोई सा भी एक फोन नंबर डाल देता हूँ। और दोस्तों जैसे मैं यहाँ फोन नंबर डालूंगा और लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे से दोस्तों यहाँ पे ये OTP मांगता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे अपना OTP नहीं देना चाहता, मैं नहीं चाहता अपने पर्सनल फोन नंबर को यहाँ पे देना। स्टेप वन से पहले जस्ट ये बताओ, अगर आप भी किसी कुकर्म के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो जस्ट इमेजिन अगर ये बात आपके पापा को पता लग जाए तो। वैसे किस वजह से ये ट्रिक यूज कर रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों स्टेप वन में आपको जाना है गूगल क्रोम पे। दोस्तों गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर टाइप कर लेना है एक वेबसाइट का नाम जिसका नाम है spytm.com। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा सो दैट यू आर अवेयर कि कहाँ पे आपको जाना है। दोस्तों अभी याद रहे अभी यहाँ पे ड्रॉप मत करना बिकॉज अभी भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो। दोस्तों अभी यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारी कंट्रीज के नाम आ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी कोई भी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों आप लोग इंडिया से हैं तो आप लोग इंडिया में चले जाना है। तो अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टेप टू। दोस्तों स्टेप टू में आपको यूज करना है अपना फोन नंबर, जो भी आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे होंगे आपको उन फोन नंबर्स का यूज करना है टू गेट द OTP। दोस्तों कोई सा भी एक रैंडम फोन नंबर आप पिक कर सकते हैं, उस पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे एक ऐड आ जाएगी और दोस्तों ऐड आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ये नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों आप चाहे तो इस नंबर को कॉपी करके रख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ फोन नंबर कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों फोन नंबर को कॉपी करने के बाद आपको चलना है अपनी वेबसाइट पे या फिर अपनी ऐप पे। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम लोग फ्लिपकार्ट को उठाते हैं और दोस्तों फ्लिपकार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे नंबर पेस्ट कर देना है। दोस्तों पेस्ट करने के बाद यू विल गेट एन ऑप्शन टू कंटिन्यू एंड दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे हम लोग ऑटो कैप्चर कर रहे हैं आपके मैसेजेस को। स्टेप थ्री। दोस्तों यहाँ पे अब आपके पास मैसेजेस का आपको यहाँ पे वेट करना है, वापस आपको चलना है अपनी उसी वेबसाइट पे। और दोस्तों उसी वेबसाइट के अंदर जब आप नीचे जाएंगे तो आप यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपके पास वो सारे OTPs या मैसेजेस आने लग जाएंगे जिसको आपको चाहिए। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं माई टाटा न्यू का भी मैंने सबमिट किया था तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे और बाकी भी काफ़ी सारे आ रहे हैं जो भी पब्लिक यहाँ पे यूज़ कर रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना पड़े तो आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं ताकि आपका जो OTP है यहाँ पे आ जाए। और दोस्तों OTP आने के बाद आपको वापस चलना है अपनी वेबसाइट के ऊपर और दोस्तों उसको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आपका दिल भी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं सो दैट मैं आपको उसी वक्त उस क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊं। तो दोस्तों अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।